वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कशन के लिए चूज किया है वो है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अक्सर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट मैंने देखा है कि इस टॉपिक में परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी जरूर वीडियो बनाकर डिस्कस जरूर किया जाए। We have a vertical axis which is named as y-axis and we have one x-axis. इस axis को हम x-axis बोलते हैं और इसको हम y-axis का नाम देते हैं। हम एक non-horizontal, non-vertical line consider करते हैं। मैंने एक line draw की है जो कि ना कि horizontal है और ना ही vertical है। फर्ज किया कि ये लाइन x-axis के साथ जो एंगल बना रही है which is named as alpha. While moving on this line, इस लाइन पे मूव करते वक्त दो डिस्टेंसेस एट अ टाइम ट्रेवल किए जाते हैं। एक डिस्टेंस जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं विच इज नेम्ड एज रनिंग, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम रनिंग कहते हैं, और एक डिस्टेंस जो कि वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसका नाम हम रखते हैं जी राइजिंग। वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने राइजिंग बोला और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने रनिंग बोला। अब मैं स्लोप को डिफाइन करने जा रहा हूं। स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो, स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन। स्लोप क्या चीज है? राइज ओवर रन की जो रेशियो है इसको हमने स्लोप का नाम दिया। मैं डिफरेंट केसेस कंसीडर करता हूं। सबसे पहले फर्ज करते हैं कि सबसे पहले मैंने फर्ज किया कि ये लाइन ओरिजिनली यहां पर है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये जो एंगल अल्फा है, अल्फा इसको मैं सबसे पहले जीरो कंसीडर कर रहा हूं। जब मैं इस लाइन को इस एक्स एक्सिस पे लाऊंगा, एंगल जो है वो जीरो होगा, उस वक्त स्लोप की वैल्यू क्या होगी? देखें, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो इसमें राइजिंग यानी कि वर्टिकल मूवमेंट तो जीरो हो जाएगी। तो अगर राइजिंग जीरो होती है, रनिंग आप जितनी भी कर लें, द स्लोप विल बी जीरो। सो इन दैट केस जो स्लोप होगा हमारे पास, स्लोप वो क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद ये जो लाइन यहां पर थी इसको मूव किया हमने, एंगल हम कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए, एंगल को मूव करके हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि कुछ राइजिंग भी है पॉजिटिव और कुछ पॉजिटिव रनिंग भी है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्लोप इस लाइन का जो है वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद जब हमने इस इंक्लिनेशन को 90 डिग्री तक किया, यानी जब हमने एंगल को 90 डिग्री तक लेके गए, उस वक्त जब आपकी ये लाइन मूव करके इस वर्टिकल लाइन पे आ जाएगी, उस वक्त आपकी रनिंग जो है वो जीरो हो जाएगी। और जब आपकी रनिंग जीरो हो जाएगी, राइजिंग आप जितनी भी कर लें, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स द आंसर इज अनडिफाइंड। तो जब एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा तो उस वक्त आपका स्लोप जो है वो अनडिफाइन हो चुका होगा। फर्दर मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं, पहले मैंने यहां से स्टार्ट लिया, 90 तक आया था, अब मैं 90 से इंक्रीज करके सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो उस वक्त मेरी रनिंग जो है वो चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, अगर मेरी लाइन सपोज कर लेते हैं यहां पर है, तो इस वक्त जो रनिंग होगी वो नेगेटिव लेकिन राइजिंग पॉजिटिव। तो अगर इनमें से एक वैल्यू को भी मैं नेगेटिव कर दूं तो आंसर विल बी नेगेटिव, तो स्लोप जो है उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपकी लाइन होगी उस वक्त स्लोप जो है वो क्या होगा? नेगेटिव। हम एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं और इस एक्सिस पे ले आते हैं, यानी एंगल इस वक्त 180 डिग्री जब होगा, जब आपका एंगल 180 डिग्री तक पहुंचेगा उस वक्त स्लोप की वैल्यू क्या होगी? जब आप 180 पे आएंगे तो आपकी राइजिंग एक दफा फिर जीरो हो जाएगी। जब आपकी राइजिंग जीरो होती है तो ये पहले वाले केस की तरह आपका स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है। एंगल को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे और हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा, सपोज आपकी लाइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो आपकी रनिंग भी नेगेटिव और आपकी राइजिंग भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो स्लोप है वो
पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि अगर आप दोनों वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं द आंसर विल बी पॉजिटिव। जब आपकी लाइन इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, इस थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि आपकी रनिंग भी नेगेटिव हो जाएगी और आपकी राइजिंग भी नेगेटिव हो जाएगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज का नेगेटिव हो जाने की वजह से रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं इस एंगल अल्फा को इंक्रीज कर 270 डिग्री पे ले आया, 270 डिग्री यानी इस वर्टिकल लाइन पे मैं दोबारा आ गया। तो जैसे ही मैं इस वर्टिकल लाइन पे आऊंगा, एंगल को मैंने 270 डिग्री किया, उस केस में वर्टिकल लाइन पे आप जानते हैं कि रनिंग जीरो हो जाती है। तो जैसे ही रनिंग जीरो हो जाएगी तो स्लोप मेरा एक दफा फिर जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा, जैसा कि उसने 90 डिग्री पे वैल्यू प्रोवाइड की थी। तो स्लोप यहां पर एक बार फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मैं एंगल को फर्दर इंक्रीज करके फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आया। जैसे ही आपकी लाइन सपोज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगी, आपका जो रनिंग है आपकी वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और आपकी जो राइजिंग है क्योंकि वो डाउनवर्ड है यानी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव। तो इनमें से एक वैल्यू यानी राइज और रन में से एक वैल्यू का नेगेटिव हो जाना भी स्लोप को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो इन द लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट योर स्लोप विल बी नेगेटिव। एक एनालिसिस ये हुआ कि जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में यानी अपहिल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम अपहिल डायरेक्शन बोलते हैं, जो लाइन हमारी अपहिल डायरेक्शन में होगी यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, उस केस में स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा लाइन का। और कोई भी लाइन जो आपकी डाउनहिल डायरेक्शन में होगी यानी लाइन अगर आपकी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी डाउनहिल डायरेक्शन में आती है, तो उस केस में आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप आपका अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाती है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, उस केस में आपका स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाती है यानी ये सिचुएशन बन जाती है, तो उस केस में आपकी जो लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी अनडिफाइंड। अब हम इस स्लोप की जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करते हैं। आप अगर नोट करें, दिस इज ओ ए एंड बी, ये ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल बन रही है जिसके अंदर हम कह सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर टेन ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यार परपेंडिकुलर इज राइजिंग एंड बेस इज रनिंग। सो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू राइज ओवर रन, एंड वी नो दैट राइज ओवर रन मींस स्लोप, इट मींस टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। सो वी कैन फाइंड द स्लोप बाय टेकिंग द टेन ऑफ दिस एंगल, वील गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। हैव अ लुक प्लीज। अब हमने फर्ज किया कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। फॉर एग्जांपल सी पॉइंट इज 3.4 एंड द डी पॉइंट इज 7.9। हम किस तरह इन दो पॉइंट्स से इस लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं? देखिए जी, स्लोप को हमने डिफाइन किया था चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी स्लोप क्या है कि वाई में कितना वर्टिकल चेंज कितना प्रोड्यूस हो रहा है और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। वर्टिकल चेंज डेल वाई, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन, और हॉरिजॉन्टल चेंज जिसको मैंने डेल एक्स से डिनोट किया, इसको हम फाइंड आउट लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। सो बाय पुटिंग द वैल्यू, दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू। So y2 minus y1 means 9 minus 4 over x2 minus x1 means 7 minus 3. 9 minus 4 5 and 7 minus 3 is 4. The slope of this line having point 3, 4 and 7, 9 is 4. It's positive because it is in the first